मोशन चैप्टर 8 क्लास 9 के फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व कर रहे हैं। एग्जांपल 8.7 है, द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन। एक कार है लेट्स से इस डायरेक्शन में जा रही है, उस कार पे ब्रेक्स अप्लाई की जाती है जिससे उसमें एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड का प्रोड्यूस होता है। और ये जो एक्सेलरेशन है, कार इधर जा रही है तो जो ब्रेक्स होती है उसकी एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में यानी अपोजिट में है, तो एक्सेलरेशन को हम नेगेटिव में लेंगे। जब भी डायरेक्शन ऑफ मोशन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट हो तो हम एक्सेलरेशन को नेगेटिव में लेते हैं। इफ द कार टेक्स 2 सेकंड्स टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, जब ब्रेक्स हम लगाते हैं तो कार 2 सेकंड के बाद अगर स्टॉप हो जाती है, कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स ड्यूरिंग द टाइम, तो कितनी डिस्टेंस इस कार ने ट्रेवल कर ली। तो इसको निकालने के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास एक फार्मूला होता है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ et स्क्वायर्ड, राइट। जो ut होता है बच्चों ये भी डिस्प्लेसमेंट होता है और जो हाफ एटी स्क्वायर्ड है ये भी डिस्प्लेसमेंट होता है। ये यूटी इनिशियल वेलोसिटी की वजह से कितना डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है, और ये डिस्प्लेसमेंट जो होता है ये एक्सेलरेशन की वजह से कितना डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है। तो यहाँ पे ए तो हमको पता है और टी भी पता है, तो एक्सेलरेशन की वजह से कितना डिस्प्लेसमेंट होगा वो तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी कुछ रही होगी तब, कार तो पहले से चल रही है तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी तो कुछ होगी ना उसकी, तो वो इनिशियल वेलोसिटी तो हमको पता नहीं है। तो इनिशियल वेलोसिटी हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी, राइट। तो यहां से इनिशियल वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं, जब इनिशियल वेलोसिटी आएगी यहां पर हम रख देंगे, उसके बाद हमको इनिशियल वेलोसिटी की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो पता हो जाएगा और जो एक्सेलरेशन है उसकी वजह से क्या डिस्प्लेसमेंट होगा वो पता चल जाएगा और हम उसको सम करके डिस्प्लेसमेंट यहां पर निकाल लेंगे। तो पहले हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, ठीक बात। अब देखो बच्चों, जब कार रुक गई तो फाइनल वेलोसिटी तो उसकी जीरो हो गई, इनिशियल वेलोसिटी हमको निकालना है, एक्सेलरेशन हम नेगेटिव में लेंगे क्योंकि मोशन अगर इधर था तो एक्सेलरेशन इधर था, अपोजिट था, तो अपोजिट के लिए हम नेगेटिव में लेते हैं, तो एक्सेलरेशन हम नेगेटिव में लिखेंगे। और यहां पे टाइम देखो 2 सेकंड है, रख देंगे तो यू माइनस 12 हो जाएगा, तो बच्चों यू बराबर होगा, ये माइनस इधर आ जाएगा 12 मीटर पर सेकंड, तो इनिशियल वेलोसिटी हमको यहां से पता चल गई। अब इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे हम, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर्ड, यू यहां पे हमने निकाला 12 और टाइम यहां पे है 2 सेकंड का, प्लस करेंगे हाफ, एक्सेलरेशन नेगेटिव में ही रखेंगे, तो एक्सेलरेशन हमने यहां पे नेगेटिव में रखा -6, टी बच्चों यहां पे 2 है यानी इस फार्मूले में है स्क्वायर्ड, तो 2 स्क्वायर्ड यानी टी की जगह 2 सेकंड रखा, तो 12 × 24 हो गया, ये प्लस हो गया, ये हाफ हो गया, 2 × 4 4×6 = 24 यानी -24, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -12 आ जाएगा, तो 24 है और ये -12 है, तो ये हो गया 12 मीटर। तो बच्चों जो ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है वो हुई 12 मीटर, यानी जब कार पे ब्रेक लगती है तो 2 सेकंड में जब कार रुक जाती है उस दौरान टोटल जो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो है वो 12 मीटर का होगा। यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूं, डिस्टेंस तो यहां पर लिखा है, राइट। डिस्टेंस का एक फॉर्म डिस्प्लेसमेंट होता है, करेक्ट। ये जो वैल्यूज आती है यहां पर एस की वैल्यू, ये हमेशा डिस्प्लेसमेंट ही होती है, और जो एक्सेलरेशन इस फार्मूले में इक्वेशंस ऑफ मोशन में लगता है ये हमेशा कांस्टेंट एक्सेलरेशन ही होता है। ये दोनों पॉइंट बड़े ही इंपॉर्टेंट है, ये जाके हायर क्लासेस में तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं अगर तुम ये बात नहीं समझते हो, तो अभी से समझ जाओ तो ज़्यादा अच्छा है, अभी से समझ जाओगे तो और भी क्वेश्चंस बड़ी आसानी से सॉल्व होंगे। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।